नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्वाद हमेशा में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है हमारा नवरात्रि एपिसोड 5, जिसमें आज हम बनाने वाले हैं व्रत के लिए साबूदाना के वड़े, और साथ ही मैं बनाने वाली हूँ टमाटर और धनिए की चटनी। तो चलिए हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है। बाउल में हम 2 कप साबूदाना डालेंगे, और जिस कप से हम साबूदाना लेंगे उसी कप से हम 2 कप इसमें पानी डालेंगे। सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद इसको ढक के 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 4 से 5 घंटे बाद हमारा साबूदाना अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम इसमें 4 से 5 उबले हुए आलू को डाल देंगे। अब इसके बाद हम इसमें अदरक डालेंगे। अदरक को मैंने अच्छे तरीके से घीस लिया है। अब हम इसमें 8 से 9 हरी मिर्च डालेंगे। 1 कटोरी मैंने यहाँ पर फल्ली को दरदरा कूट लिया था, हम उसको डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच हम इसमें सेंधा नमक डालेंगे, और बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे। धनिया डालने के बाद हम सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हाथों से मिक्स कर लेंगे। हमारा अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको दोनों हाथों की मदद से इस तरीके से गोल गोल कर लेंगे, और फिर उंगलियों की मदद से हम इसको थोड़ा सा चपटा कर देंगे। इसी तरीके से हम सभी वड़े बना के रेडी कर लेंगे। मैं आपको सभी वड़े बनाने के बाद दिखाती हूँ। देखिए, मैंने इस तरीके से बनाया है, ना मैंने इसको ज़्यादा पतला रखा है और ना ज़्यादा मोटा। इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल को हम गर्म करने के लिए रख देंगे, और जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है हम अपनी दूसरी तैयारी कर लेते हैं, मतलब हम अपनी चटनी की तैयारी कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सी का जार लिया है। इसमें हम बहुत सारा धनिया डालेंगे, क्योंकि हम धनिया की चटनी बना रहे हैं। मैंने यहाँ पर 2 टमाटर का यूज़ किया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, मैंने उसको बड़े टुकड़ों में काटा है। 2 हरी मिर्च डाली है, कुछ अदरक के टुकड़े डाले हैं, 1 चम्मच जीरा डाला है, और सेंधा नमक डाला है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और इसका एक चटनी बना के तैयार कर लेंगे। चटनी को मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से बनी है। आप पानी इसमें अपने हिसाब से डालिएगा। देखिए, चटनी का कलर भी कितना अच्छा आया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हमने जो वड़े बना के तैयार किए थे हम उसको डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर एक बार में 4 से 5 वड़े डाले थे। आपकी कढ़ाई में जितने आए आप उतने डालिएगा। अब हम इसको एक साइड से पकने देंगे। वड़ा हमारा एक साइड से पक चुका है, तो हम इसको चम्मच की मदद से पलट कर दूसरे साइड से भी पकने देंगे। देखिए, वड़ा हमारा दोनों साइड से पक चुका है, इसका कलर बहुत ही अच्छा है। अब हम एक चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। तो अगर आपको मेरा साबूदाना का वड़ा बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा तो, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। और अब